दोस्तों ड्रिंक एंड ड्राइव केस के बाद कल फर्स्ट टाइम शुगा को कैप्चर किया गया, जहां उनके फेस पर स्ट्रेस क्लियरली देखा जा सकता था। वेल, कल शुगा को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया था, तो मैं आपको इस इन्वेस्टिगेशन में शुगा ने क्या कहा इस बारे में डिटेल में बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों 8th ऑफ अगस्त को शुगा को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछकर छोड़ दिया गया और कल शुगा को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट राउंड में बुलाया गया, जहां शुगा ने मीडिया के सामने सभी से माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे जुड़े लोग और फैंस काफी परेशान हैं, इसलिए मैं उन सब से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। आगे शुगा ने कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से साथ दूंगा, जिसके बाद एक रिपोर्टर ने कहा कि आप किस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, अगर आपको 8th ऑफ अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया था तो आप इतने कम टाइम में बाहर कैसे आ गए। ये सुनकर शुगा आगे कुछ कहे बिना अपनी कार में बैठकर चले गए। वेल, कोरियन लॉ के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, हालांकि जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट होते हैं उन्हें 2 इयर्स की प्रिजन और 10 मिलियन वॉन पे करना होता है। इन शॉर्ट, अभी शुगा को इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, जिसके बाद ही उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। वेल, हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि शुगा 8th ऑफ अगस्त को इलेक्ट्रिक स्कूटर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी स्कूटर की बात हो रही है जिसे लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और शुगा के साथ क्रिमिनल जैसा बिहेवियर किया जा रहा है। वहीं इस केस के स्टार्टिंग में हाइप लेवल्स ने कहा था कि वो शुगा को इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिस तरह लगातार इस केस को हाईलाइट किया जा रहा है और ग्लोबल मीडिया की इस पर नजर बनी हुई है, उसके बाद शुगा के करियर को लेकर फैंस काफी परेशान हैं, क्योंकि KBS ने भी शुगा को बैन कर दिया है, जिसका मीनिंग है कि कोरियन टेलीविजन पर शुगा को टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, यानी शुगा का कोई भी कंटेंट टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाएगा। इसका एक रीजन ये भी है कि शुगा का ड्रिंक एंड ड्राइव केस उस टाइम सामने आया है जब वो अपनी मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं। यही रीजन है कि इस केस को इतना हाईलाइट किया गया है, क्योंकि कोरिया अपने लॉ के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब देखना ये होगा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्या डिसीजन लिया जाता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।